नर ओमकालेश्वर में नर्मदा जी के दर्शन करते हुए और वहां पर श्रद्धालु स्नान करते हुए आप ये देख रहे हैं सामने ओमकालेश्वर जी का भव्य मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। यहां सब श्रद्धालु लोग आते हुए हैं। ऊपर ब्रज है जो मैं अब आपको ओमकालेश्वर में नर्मदा जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे लोग भी यहाँ पर धूमधाम से आते हुए और स्नान करते हुए जी हाँ देख सकते हैं। यह पैदल ब्रिज है, इधर से भी आ सकते हैं और यह एक पीछे वाला ब्रिज है, इस ब्रिज से भी आ सकते हैं। बच्चे लोग स्नान करते हुए बड़ा ही अद्भुत सावन के महीने में इस पावन अवसर पर मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। यहाँ नर्मदा जी का स्नान बड़ा ही उचित और रसमंदक है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर इंजॉय करते हुए। जी हाँ, यह नर्मदा जी हैं जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ ओमकालेश्वर जी का मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, देख सकते हैं। दिखाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा लगे वीडियो शेयर करें, मैं धर्मेंद्र राजू ट्रिप किला में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास शेयर कर सकूँ। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए लोग बाग एंजॉय करते हुए। जी हाँ, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह नर्मदा जी, अभी मैं आपको ये हैं पूरे सेक्शन के घाट जो आप देख सकते हैं, लड़ते हुए, खेलते हुए, नहाते हुए लोग बाग। मैं धर्मेंद्र राजू आपके लिए इस चैनल पर, यह सामने वाला पैदल ब्रिज है, देख सकते हैं आप लोग बाग फोटो वगैरह और वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, नाव देख लीजिए पहाड़ियों के बीच नर्मदा जी का। यहाँ ओमकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। मैं धर्मेंद्र राजू आज आपको इस पर वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा ही आकर्षक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इंदौर से 80 किलोमीटर दूरी पर ओमकालेश्वर मंदिर है जो मैं आपको जो सामने दिख रहा है, मंदिर का ही निर्माण कार्य चल रहा है। जी हाँ, वो सामने दिख रहे वही ओमकालेश्वर जी का मंदिर है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, ये छोटी छोटी नावें हैं जो आपके लिए यहाँ पर घूमने के लिए पूरा नदी नर्मदा जी के दर्शन कराने के लिए तत्पर रहती हैं।